हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू कुमार और आज बात करेंगे शम्मी कपूर की। जी हाँ, वो 60 के दशक के एक ऐसे एक्टर जो फिल्मी पर्दे पर आते ही थे तो बस समा बांध देते थे। शम्मी कपूर को जो है उनकी अदायगी के लिए, उनकी डांसिंग के लिए, उनकी रोमांटिक इमेज के लिए बहुत पसंद किया जाता है। शुरुआत के दिनों में जो है 1953 से उनका करियर शुरू हुआ था, लेकिन उनको उस तरह का जो है कह सकते पॉपुलैरिटी नहीं मिली। शुरू के दिनों में उनकी बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन उनकी फिल्म तुमसा नहीं देखा जब उनकी फिल्म आई तो वो जो है जबरदस्त हिट रही और इसके बाद से एक रोमांटिक हीरो के तौर पर उनकी छवि बन गई। और 60 के दशक में उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में की, चाहे वो उनकी फिल्म राजकुमार हो, प्रिंस हो, जंगली हो, चाहे वो उनकी फिल्म अंदाज हो, ब्रह्मचारी हो, बहुत सारी हिट फिल्में जो है उन्होंने दी। और उनकी फिल्मों में एक अलग तरह का डांसिंग सीक्वेंस होता था उनका, और उनकी अदायगी बहुत अलग होती थी, उनकी डायलॉग डिलीवरी अलग होती थी। और साथ ही सबसे जो खास होता था, उनकी फिल्मों में कश्मीर के सीन्स होते थे और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ होती थी। मोहम्मद रफ़ी के गाने जो है इनकी फिल्मों की खासियत होती थी और उनकी ज़्यादातर फिल्में जो है उस दौर में हिट रहती थी। आपको बताया, शम्मी कपूर ने जो है गीता बाली से शादी की थी। गीता बाली जो है उनसे उम्र में 2 साल बड़ी थी और 1955 में जो है इन दोनों ने शादी रचा ली थी। गीता बाली जो है इन गीता बाली और शम्मी कपूर जो है इन दोनों की मुलाकात जो है रानीखेत में हुई थी। दोनों वहाँ एक फिल्म की शूटिंग के लिए गए थे और वहीं पर शम्मी कपूर ने गीता बाली को प्रपोज़ किया था। तब गीता बाली ने कहा था कि मैं सोचूंगी। बाद में धीरे धीरे मुंबई आते आते उन्होंने ये मन बना लिया कि वो खुद से 2 साल छोटे शम्मी कपूर से शादी करेंगी। आपको बता दें कि कपूर खानदान में जो है पहले इस शादी का बहुत विरोध हुआ। जब उन्होंने कहा अपने पिता से कि वो गीता बाली से शादी करेंगे, तो उनके पिता ने ये कहा कि कपूर खानदान में जो है हीरोइनों से कोई शादी नहीं करता। और गीता बाली जो है पहले पृथ्वीराज कपूर के साथ स्क्रीन शेयर कर चुकी थी, राज कपूर के साथ भी उन्होंने एक फिल्म किया था। तो ऐसे में घर में विरोध हुआ तो दोनों ने जो है भाग कर मंदिर में शादी कर ली। और मंदिर में भी जब वो शादी करने पहुंचे तो शम्मी कपूर जो है सिंदूर लेकर जाना भूल गए थे। तब लिपस्टिक से उन्होंने गीता बाली की मांग भरी थी। दोनों की शादीशुदा जिंदगी करीब 10 सालों तक बहुत अच्छी चली, लेकिन 1965 में चेचक की वजह से जो है गीता बाली का निधन हो गया और उनके 2 छोटे बच्चे थे। उस दौरान जो है शम्मी कपूर अपने 2 बच्चों को लेकर बहुत परेशान रहा करते थे। उसी दौरान जो है वो फिल्म ब्रह्मचारी की शूटिंग कर रहे थे, जहां सेट पर उनकी मुलाकात जो है मुमताज से हुई थी। उस वक्त मुमताज की उम्र जो है 18 साल की थी और शम्मी कपूर उनसे उम्र में करीब 20 साल बड़े थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों में प्यार हो गया और मुमताज भी उनको पसंद करती थी। और ऐसे में शम्मी कपूर ने उनसे ये कहा था कि वो जो है उनसे शादी कर ले, लेकिन मुमताज़ जो है वो बॉलीवुड में हीरोइन बनने आई थी, उनके ख्वाब बड़े थे और वो शादी के बंधन में नहीं बनना चाहती थी। तो उन्होंने जो है शम्मी कपूर का प्रपोज़ल ठुकरा दिया। और ऐसे में शम्मी कपूर ने कसम खा ली कि वो आगे से किसी भी फिल्मी हीरोइन से जो है ना तो उनसे शादी की बात करेंगे ना दिल लगाएंगे। फिर उन्होंने नीला कुमारी से जो है शादी रचाई, जो कि एक राजकुमारी थी। एक पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने नीला कुमारी से शादी की और नीला कुमारी ने उनके दोनों बच्चों को जो है एक माँ की तरह प्यार दिया और लंबे समय तक जो है दोनों का साथ रहा। शम्मी कपूर के परिवार में अभी भी नीला कुमारी हैं, उनके दोनों बच्चे जो है उनको अपनी माँ मानते हैं और शम्मी कपूर का साथ उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया। शम्मी कपूर अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन शम्मी कपूर की जो फिल्में हैं, जो उनकी कहानियाँ हैं, जो उनकी फिल्मों के यादगार गाने हैं, उसको लोग आज भी पसंद करते हैं और शम्मी कपूर जो है हमेशा बॉलीवुड के एक बेहतरीन एक्टर्स में गिने जाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।